मालिक, बहुत रात हो गई है, अभी तक मनीषा बिटिया दफ्तर से घर नहीं आई। अरे डोंट वरी रामू, आ जाएगी, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है, ऊपर से अपने फौजी बाप की तरफ बहादुर भी है। तुम जाकर खाना लगाओ रामू, वो आती ही होगी। जी मालिक। मनीषा मनोहर की इकलौती बेटी थी। मनीषा की माँ का उसके बचपन में ही स्वर्गवास होने और मनोहर के फौजी होने के कारण मनोहर ने अपनी बेटी को बिल्कुल लड़कों के जैसा ही पाला था। उस दिन देर रात को मनीषा का इंतजार करते हुए मनोहर और उसका नौकर रामू बात कर ही रहे थे कि मनीषा अपनी कार में ऑफिस से घर आती है। अरे रामू काका, बड़ी भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। और कल मेरे कुछ खास क्लाइंट्स घर पर लंच के लिए भी आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा बना देना। और बताओ मनीषा बेटा, ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? एकदम जबरदस्त चल रहा है पापा। इनफैक्ट कल की प्रेजेंटेशन में तो मैंने 2 करोड़ की डील फाइनल कर दी, और अगले हफ्ते हमारी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। पता है पापा, मुझे इसका हेड बनाया जा रहा है। अरे वो ये हुई ना मेरी शेर बेटे वाली बात, वेरी गुड बेटा। रामू उस घर में पिछले 28 साल से नौकरी कर रहा था, तो वो घर के सदस्य जैसा ही था। रामू मनीषा को चिढ़ाते हुए कहता है, मनीषा बिटिया, आप कल बाजार से थोड़ी सब्जियां लेकर आओगी, कल तो आपके दफ्तर की छुट्टी भी है। काका, मैं आपको अपना मोबाइल दे देती हूँ, आप ऑनलाइन सब्जियां मंगवा लेना, मैं पेमेंट कर दूंगी। वो क्या है कि मुझे घर के कामों से थोड़ी एलर्जी है। ठीक है ठीक है बिटिया। 2 हफ्ते बाद मनोहर को उसके दोस्त किशन का फोन आता है। अरे मनोहर, हमारी मनीषा बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़का इंजीनियर है दुबई में, तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं। हाँ हाँ, रिश्ते की बात तो आगे बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन लड़के वालों की कुछ शर्तें भी तो होंगी ना, मतबला लेन देन वगैरह। अरे यार, लेन देन जैसी तो कोई शर्त नहीं है उनकी, बस लड़की पढ़ी लिखी और घरेलू होनी चाहिए, जो कि यहाँ इंडिया में अपने सास ससुर की सेवा करे और घर संभाल सके। अरे यार किशन, तू तो मनीषा को जानता ही है, पढ़ी लिखी और जिम्मेदार तो है वो, लेकिन घर के नहीं बाहर के कामों में मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी, लेकिन फिर भी मैं उसे पूछ के बताता हूँ तुझे। मनोहर अपनी बेटी से उसके लिए आए रिश्ते की बात करता है और उसे लड़के वालों की शर्त के बारे में भी बताता है, जिस पर मनीषा कहती है, पापा आप तो जानते हैं ना कि मुझे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आपने मुझे पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया, क्या इस दिन के लिए कि एक दिन मैं शादी करके किसी का घर संभालूं? नाना, मुझे नहीं करनी शादी वादी, आप मना कर दो उन्हें। इतना कहकर मनीषा घर से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड का फोन आता है, जो उसे बाकी फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। मनीषा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस रिश्ते की बात से हुए खराब मूड को बदलने के लिए वो चली जाती है। मनीषा और उसके दोस्त एक टेबल पर बैठे होते हैं कि उसकी नजर उसी रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहे एक लड़के पर पड़ती है, जो मनीषा की फेवरेट धुन बजा रहा होता है। मनीषा झट से सारी बातें भूलकर उस गिटार की धुन में खो जाती है। थोड़ी देर बाद सब उस लड़के की परफॉर्मेंस पर तालियां बजाते हैं, तो मनीषा भी स्माइल करके तालियां बजाने लगती है। उसी शाम जब मनीषा घर जा रही होती है, तो उसे वही लड़का दिखता है जो रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहा था। वो अपनी गाड़ी रोक कर उससे पूछती है कि, हाय, तुम वही हो ना जो थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहे थे? आई एम सो इम्प्रेस्ड विद योर टैलेंट, एक्चुअली वो मेरी फेवरेट धुन थी। जी थैंक यू, ये मेरा शौक भी है और इससे मेरी थोड़ी बहुत गुजारे लायक कमाई भी हो जाती है। अच्छा, और क्या करते हो? जी मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ। और कॉफी के अलावा भी बहुत कुछ। एक्चुअली मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, और खाली समय में या तो मैं गिटार बजाता हूँ या फिर कुकिंग करता हूँ।
इसी तरह बहुत देर तक बातें करते करते दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं और फिर धीरे धीरे पहले उनके बीच गहरी दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है। फिर एक समय आता है जब दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। मनीषा अपने पापा को गौतम के बारे में सब बताती है। मनोहर को गौतम बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की खुशी के लिए वो हाँ कह देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। और एक दिन, अरे गौतम बेटा, क्या बात है? बहू रानी तो आते ही दफ्तर जाने लगी। सुबह जाती है, देर रात को आती है, और तू घर पे रहता है, तो घर भी तुझे ही तो संभालना पड़ता होगा ना अभी? जी आंटी जी, वो मेरा काम कुछ कम ही चल रहा है, और घर चलाने के लिए किसी को तो दफ्तर जाना ही पड़ेगा ना, तो मनीषा ही चली जाती है, और मैं घर पे रहकर सारा दिन करूँगा क्या, तो घर ही संभाल लेता हूँ। हाँ बेटा, कह तो तू सही रहा है, लेकिन समाज को क्या कहेगा? समाज के भी कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। अच्छा मैं तो चलती हूँ बेटा। रात को मनीषा घर आती है तो गौतम उसे कहता है कि सुनो, आज हरलीन आंटी आई थी, कह रही थी कि आसपास के लोग बातें बनाने लगे हैं कि तुम मर्दों की तरह काम पे जाती हो और मैं औरतों की तरह घर संभाल रहा हूँ। हाँ, पर तुम तो जानती ही हो ना कि मैं शादी से पहले से जॉब कर रही हूँ, तो फिर अब अचानक से मैं खुद को कैसे बदलूं? एक काम करते हैं, तुम कुछ महीनों के लिए घर से ही ऑनलाइन सारा काम कर लो, और हो सके तो घर के काम ट्राई भी कर लो, और मैं बाहर जाकर अपने लिए पक्की नौकरी ढूंढता हूँ। मनीषा मान जाती है और फिर शुरू होती है उनकी नई दिनचर्या। ये लो गौतम, तुम्हारा नाश्ता, चाय और टोस्ट। ये टोस्ट है या किसी नक्शे का काला प्रिंट आउट? अरे मेरी माँ, चाय में चीनी डालते हैं, नमक नहीं। ठीक है ठीक है, मैं क्या करूँ, चीनी और नमक एक जैसे ही तो दिखते हैं ना। तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना ऐसे ही जाओ। अच्छा तो तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या काम आता है तुम्हें? जी मैंने वैसे तो बीकॉम किया है, लेकिन काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मुझे ये डिग्री करवा दी थी। मुझे तो गिटार बजाना ही पसंद है सर। ठीक है मिस्टर गौतम, जब हमारी कंपनी को किसी गिटार परफॉर्मेंस की ज़रूरत होगी तब आपको बुला लिया जाएगा, फिलहाल के लिए आप जा सकते हैं। जॉब ना मिलने के दुख में मुख लटकाए गौतम घर आता है तो देखता है कि अरे ये क्या मनीषा, सारा घर बिखरा पड़ा है और ये किचन की ये हाल, अरे सब ठीक तो है ना? सब ठीक है गौतम, बस मुझे भूख लगी थी तो सोचा कुछ बना के खा लूं, लेकिन मुझे कोई सामान मिल ही नहीं रहा था, और फिर पता चला कि गैस भी खत्म हो गई है और मुझे सिलेंडर बदलना नहीं आता। अच्छा क्यों ना हम बाहर से ही खाना मंगवा ले। हाँ अच्छा ये तो बताओ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊँ, मुझे नौकरी नहीं मिली, लगता भी नहीं कि मिलेगी कभी। दोनों उदास होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हंस पड़ते हैं। मुझे लगता है हमें वही काम करना चाहिए जो हमें अच्छे से आता है। कल से मैं ही ऑफिस जाया करूंगी और मैं हमारा ये प्यारा सा घर संभालूंगा।